पता नहीं मैं बिगड़ गया हूं या सुधर गया हूं। किसी से मेरा बहस करने का मन ही नहीं करता है। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। परिंदों, तुम्हारी पहुंच से बाहर का है ये बाज। जहां तुम झुंड में नहीं जाते, वहां मैं अकेले जाता हूं। मैं जिस मोहब्बत के गुरूर में बर्बाद हुआ, तेरी हर तस्वीर जो दिल में लगाई थी, आज वो राख की है। मैं मानता हूँ कि सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन क्या वो मोहब्बत भी झूठी हो सकती है जो मैंने तुझसे बर्बाद की? आप बाल क्यों नहीं कटवाते? आप छोटे बालों में बहुत क्यूट लगेंगे। मुझे असल में अच्छा लगता है अपना आप ऐसे, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं बदल के किसी को अच्छा लगूंगा तो मैं क्या अच्छा लगूंगा। बदमाशी का घना कीड़ा होना तो छेड़का देख लिए। रीने बनाने लगे पहले हम भी काम किया करते। जिस तरह गोश्त नाखून से जुदा नहीं होता, उसी तरह भाई भाई से जुदा नहीं हो सकता। मिलकर चलेंगे तो मजबूत होंगे, और तकसीम होंगे तो कमजोर। बेटा कोई नहीं पूछता बेरोजगारों को, मैं समझा रही हूँ। पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने अपना इलाज कराया। अब प्यार पैसा देखता है, आपका सोशल स्टेटस देखता है, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड देखेगा, सोशल स्टेटस देखेगा, आपकी नौकरी देखेगा। बेरोजगारों की शादी भी नहीं होती, समझ लो अच्छी तरह से। एक शेर में बोलना चाहूंगा। कब से अपनी नई तस्वीर नहीं बनाई हमने, अरसा हो गया, खुद को अच्छी नहीं लगी। पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार, लोग हमें चेहरा देखकर ही पहचान लेते हैं यार। कंधे पे बिठा के खुद की नजर से भी आगे का दिखाया है मुझे। मेरे पापा ने मुझे जलना नहीं, अपने दम पे चलना सिखाया है। आज भी पूजा हम पुरखा के संस्कार। एक लठ में सांस छोड़ देगा वो सड़ी के, कदे अपना अपना ये मराजमान रहो। अरे लंडूरा के वो आंदा को निबड़ में, किलो किलो सोना बैरी गेरे रखे गड़। प्यार में इंसान चूतिया बन जाता है। एक मैं ही हूँ जैसे लड़की तो पसंद आती है, लेकिन प्यार नहीं होता। रहने दे भाई, एक दो दिन बार बच गया तू, जी ले जिंदगी। बदमाशी घर बहुत दूर है मेरे भाई, ये खानदानी घर के बड़का काम है ये। कोई शौक से नहीं रोता, आंसू तभी आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बताया, मैं भी बहुत आलसी हुआ करता था, बहुत। फिर एक दिन पिताजी की आंखों में आंसू देख लिया, वो भी पैसों के लिए। तब से मैं थकता ही नहीं। साचा दर्द मेरा। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। जिंदगी में कैसा भी संकट आ जाए, कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपनी जीवन लीला समाप्त मत करना। एक बात ध्यान रखना, द ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन ड्रीम्स एंड द स्माइलिंग फेस इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। टूटा दिल, टूटे सपने और मुस्कुराता चेहरा इस दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। और जो तूफान तुम्हारे दिल में उठेगा, वो तूफान विश्वास मानिए एक ना एक दिन तबाही मचा कर रख देगा। मैं यूं बताऊं भाई कि जिस तरह हम शरीफ होए दे छोड़ कर जाली हुआ, तो ध्यान रखिए जो हमारा रड़केगा इतनी गोली मारेंगे खुट्टे पे बंधे और डांगर भी फड़केगा। बंदे दी साली कोई इज्जत नहीं, इज्जत है सिर्फ पैसे दी। और अंदर से कोई देखेगा तो उसे टूटा हुआ मिलूंगा मैं, ये हंसता हुआ चेहरा तो
जमाने को दिखाने के लिए है। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जिम में जब कोई बॉडी बिल्डर 2 घंटे एक्सरसाइज करता है ना, तो उसकी बॉडी उस 2 घंटे में नहीं बनती, बल्कि 22 घंटे वो जो जिम के बाहर बिताता है, उस 22 घंटे में बॉडी बनती है। क्यों? क्योंकि जिम में तो सिर्फ 2 घंटे वो वर्जिस करता है, उससे क्या होगा भैया। 22 घंटे में डाइट का डिसिप्लिन चाहिए, लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन। गुमान नहीं यकीन है मुझे, कोई किसी का नहीं। चाहे पूरी दुनिया ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, ये साथ कभी खत्म नहीं होगा। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। अब जिद है तेरे बगैर जीने की, तू मिल भी गया तो मुकर जाऊंगा। जिंदगी में प्यार करना कितनी खुशी की बात है, कभी कभी प्यार में रोना भी खुशी की बात होती है। तूने अपन से खुशी छीन ली है। समय लाया जाता है, अच्छा समय कभी भी आता नहीं है। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। कैसे? अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीके से, अपनी लाइफस्टाइल से। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हर समय जीवन जियो, ऐसा क्यों डरते हो कि मतलब विपत्ति और दुख, अरे नहीं, चीर कर आगे निकलो विपत्तियों से। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार्ग को तय कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ। जमाना कुछ भी करे, कुछ भी कहे मुझसे, बेखौफ हूँ, जुल्म करता हूँ ना जुल्म सहता हूँ। मैंने देखा है तोड़ के खुद को, मेरे अंदर भी मैं ही रहता। मुझे घूमने का बहुत शौक था, मगर जिंदगी ने ऐसा घुमाया कि सारे शौक ही खत्म हो गए। बहुत संभल के चले, फिर भी फिसल गए हम। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने दिल। आप लगता है कि बदल गए हम। जब भी हार मानने का मन करे ना, ये 3 सवाल खुद से जरूर करना। बस निकल गई हवा, इतना ही दम था। अब उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं? एंड उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं?